केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इस तरह की स्कीम की डिमांड कर रहे थे। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस की सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं यूपीएस की 6 बड़ी खूबियां क्या हैं। यूपीएस में कर्मचारियों को 25 वर्ष की नौकरी के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिए कर्मचारियों के अंशदान को एनपीएस के मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करने का निर्णय लिया है। रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था। 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या 1 अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों की पुनः अध्ययन करके बकाया का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। यूपीएस में मिलेगा महंगाई भत्ता। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ महंगाई राहत DR उसी दर से मिलेगा जिस पर महंगाई भत्ता मिलता है। यूपीएस में भी रिटायरमेंट कर्मचारी को सेवारत कर्मचारी के भांति ही महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। परिवार के लिए भी पेंशन की व्यवस्था। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इस पर DR भी 60% दिया जाएगा। एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी की राशि के अलावा एक और मुश्त राशि भी अलग से मिलेगी। ये राशि सेवा काल में हर 6 महीने की सेवा के बदले 1 माह के मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। न्यूनतम पेंशन की भी की गई व्यवस्था। अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी। हालांकि नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। बता दें, कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए ही होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं।